अस्सलाम वालेकुम मदनान, क्या हाल है? ठीक भी ऐसा ठीक बाग साहब खैर है सही। पपीता ये बहुत कीमती चीज़ है, मैदे वास्ते बहुत अच्छा होंगे। इतना बस लगे खड़े हो ना मांग की दही चोरी ना पट्टे, अच्छी गाल नहीं होती मांग की दंगे दीते। हाँ जी अदनान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, और तबीयत सेहत आपकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुबह का टाइम है तो हम जा रहे हैं काम पे। हमने सोचा यहाँ की जो है ना वीडियो बना कर अदनान को भेजनी चाहिए। ये देखें, ये गेहूँ है, मतलब देहात का एरिया, वहाँ में भी पक्के सरगे हैं, बाद में ये उमानी लोगों के मजरे हैं। जैसे हमारे खूह वगैरह होते हैं ट्यूबवेल, माशाल्लाह बहुत से खजूरें के बाग हैं, आप चेक करें। वहाँ में ये है कि बड़ा गेट लगाया जाता है, थोड़ी दीवार नहीं तो ये जाली वगैरह लगा देते हैं ताकि मालूम होना चाहिए कितना रकबा किसका है। वहाँ का जो मंज़र है आप देखें, ये बहुत ही पुरानी टैंकी है पानी की, ऊपर पानी जाता है, बाद में कहीं जगह में नहीं पहुँचता तो वहाँ से पैंप होते हैं लगे हुए, वो खोलते हैं तो चला जाता है। ये 6 मंजिल में है टैंकी ऊपर। वहाँ देखें ये माशाल्लाह बहुत से अच्छे अच्छे खजूरों का बाग है। वेलकम डियर फ्रेंड, आज हसन भाई ने उमान से हमारे लिए एक और व्लॉग बना के भेजा है। तो ये खूबसूरत खजूरों का बाग है जिसे हम एक मजरा कहते हैं, उसमें 4 दीवारी बनाई जाती है ताकि किसी को पता चले कि ये जिसका रकबा है, जिसकी ज़मीन है, किस उसकी हद कितनी है। और हसन भाई मुझे बता रहे थे, आप सब दोस्तों को भी बता रहे थे कि इनके जो मज़रे हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं और जो सड़कें होती हैं वो पक्की होती हैं। और यहाँ देखें कितनी खूबसूरत गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और इन्होंने जो मज़रे की सेटिंग की हुई है ना, खूबसूरत घर भी बनाए होते हैं। हम तो अपना ट्यूबवेल बनाते हैं, वहाँ जानवर रखते हैं और जो खेत वगैरह होते हैं हम वहाँ अपने पाकिस्तान में हम तो कोई मज़रा वगैरह यानी कि दीवार वगैरह नहीं देते। तो आज का ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत है, आज हम आपको सैर कराएंगे उमान मस्कत की। ये खूबसूरत खूबसूरत कहते हैं क्योंकि है भी खूबसूरत। ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से कलर पेंट किया हुआ है और सड़कें ये देखें, क्योंकि यहाँ पे है पत्थर के जो होते हैं ना इलाके, यहाँ वहाँ पे सड़कें पक्की बनाई जाती हैं और एक खूबसूरत डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सीन बना है आज का। और जहाँ पे जो खजूरें होती हैं, हसन भाई बता रहे हैं तो 12 महीने खजूरें आम रहती हैं। तो जब ये पाकिस्तान में आते हैं ना खजूर वगैरह लेके आते हैं, उमान में ना पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी कंट्री के लोग काम करने के लिए जाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं मकामी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से केयर करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और अक्सर यहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, ब्लॉक और सरिये का काम करते हैं जिससे ना घर की तामीर की जाती है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब अगला व्लॉग आएगा, उसमें हम बताएंगे ये जो काम वगैरह करते हैं। और यहाँ का मंज़र देखिए कितना खूबसूरत घर है। हमारे यहाँ तो ये सिटी में बनाया जाता है लेकिन यहाँ इनके मज़रों में ये मकान और सारी सेटिंग खूबसूरत की जाती है। और ये देखें बहुत गहरा खजूरों का बाग है। मेरा दिल कर रहा है मैं पाकिस्तान से यार चला जाऊँ, लेकिन आपको पता है अभी अदनान भाई के बाजू ठीक नहीं हुई है, जैसे ठीक होगी फिर तो इंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए जाएंगे, आपको भी इंजॉय कराएंगे। और ये जो पाइप लगे हैं ना छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ पत्थर का इलाका है तो पानी का बड़ा मसला होता है, तो बड़ी बड़ी टैंकियाँ बना कर ना जब वहाँ से पानी छोड़ते हैं तो इन जो पैंप है ना इनमें आ जाते हैं, फिर इन्हें खोल के फिर ये पानी लगाते हैं। और यहाँ हसन भाई इंजीर के दरख्त पे आया है, ये देखें यहाँ पे हमें इंजीर दिखाने के लिए, यहाँ पे इंजीर और
सेब ये दरख्त वगैरह बादामों के बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर ये पाकिस्तान से ना मिलता जुलता है कुछ खेतों की बनिस्बत, कुछ फलों की बनिस्बत, क्योंकि काफ़ी चीज़ें घास वगैरह सेम ही है पैदावार पाकिस्तान और ओमान मस्कत। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और हमारे इस व्लॉग में जुड़े रहिएगा। हसन को सपोर्ट करें या मुझे सपोर्ट करें, काफ़ी हसन भाई कहते हैं सुनाए आजकल कितने व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। हसन भाई कहते हैं अदनान अगर जब तक आपकी बाजू ठीक नहीं होती मैं जैसे ही काम से फ्री होता हूँ ना आपके लिए व्लॉग बना दिया करूँगा। मैंने कहा ठीक है, दिल से बना रहे हैं और आप भी सपोर्ट करें। जिन्हें ट्रैवल करना पसंद है तो कॉमर्स में ज़रूर बताएं और हसन भाई ना आपको मुख्तलिफ जगह दिखाएंगे और ये भी बताएंगे यहाँ के रिहाइश का क्या खर्चा है, ठीक है, वो कितना कमा लेते हैं क्योंकि वो मजदूरी करते हैं। तो अक्सर वहाँ के मकामी लोग बहुत ही अच्छे हैं। ये और ये देखें यहाँ ये पानी वगैरह लगा दिए, वो पाइप खोल दिए, ऐसे फुहारे की तरह पानी लगाते हैं, ये घास को लगाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह एक अच्छे व्लॉग में हाजिर होंगे, इससे भी बेहतर होगा और हम आपको अगले व्लॉग में मार्केट वगैरह शॉप्स वगैरह दिखाएंगे और इंशाल्लाह देखेंगे कि वहाँ से हम क्या ख़रीदने वाले हैं। क्योंकि मेरा भाई जो है ना और कज़न वो कह रहा है कि हमारे लिए घड़ी भेजें हसन भाई। हसन भाई ने कहा हम अगला व्लॉग वही जब जाएंगे ना तो वो बनाएंगे। और ये मंज़रा देखें कहाँ कितना खूबसूरत, गहरा गहरा तो गहरा है, यहाँ खजूर के बाग हैं और पीछे देखें पहाड़ हैं, खूबसूरत पहाड़। ये पहाड़ियों में रहते हैं बहुत खूबसूरत, तो जब बारिश आती है ना खूबसूरत मंजर बन जाता है और नदी जो है इनके साथ ही है, पानी चलता रहता है।